विजय राठी जी जरा मुझे सीधे सीधे यह बता दीजिए कि हिम्मत है आपके साथी में या आपके अलायंस में किसी और धर्म पर एक बार टिप्पणी करके बता दे डीएमके का यह चलन बन चुका है कभी सनातन को घेरना है हनुमान की तुलना बंदर से कर देनी है सनातन को कुशरोगी से कंपेयर कर देना है और अब भारत एक देश ही नहीं है देखिए ऐसा है पूर्णिमा जी मैं सुन रहा था जिस तरीके से पूरी मीडिया पर चीजें चल रही है मैं तो कह रहा हूं भारत हमारा देश है और सब संगठित है लेकिन जब विभाजन की बात आती है विभाजनकारी चीजें आती हैं तो आपको घूमना चाहिए इस देश में एक ही नाम आता है जो देश को विघटन कर रहा है और जो बांट रहा है धर्म को और जातियों में बांट रहा है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आप इनका इतिहास उठा करके देखें अगर ये बांटेंगे नहीं तो ये जीतेंगे नहीं ये कभी नहीं चाहते थे चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हुआ था वो इन्हीं का करा धरा था सारा

मोदी का विरोध करते करते कितना अपमान सहने की क्षमता आप लोगों में बची है भारत देश को लेकर भारत देश में माने जाने वाले धर्म को लेकर जरा आज मुझे उसका क्लेरिफिकेशन आप दे दीजिए कितनी क्षमता बची है आप में कि आप घोट कर वो सारा का सारा अपमान पी जाएंगे और कुछ नहीं कहेंगे आप अपने साथियों को प्रधानमंत्री जी तो खुद ही नहीं चाहते कि हम लोग प्रधानमंत्री माने या बीजेपी सरकार या भारत सरकार कहें वो तो कहते हैं मोदी की गारंटी है क्या मोदी अकेले है सरकार में या बीजेपी के अकेले हैं या भारत सरकार के अकेले हैं उन्होंने कहा भारत सरकार की गारंटी वो हर जगह बोलते हैं छाती में हाथ मार मार के कि ये मोदी की गारंटी है मतलब राजनाथ सिंह बेकार अमित शाह बेकार नितिन गडकरी बेकार इतने जितने कैबिनेट मिनिस्टर सब बेकार अकेला मोदी ये क्या अहंकार ये घमंड नहीं है क्या वो प्रधानमंत्री हैं हमारे भी प्रधानमंत्री हैं आपके भी वो से, भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो जो तो है, है जो पूरे के पूरे 140 करोड़ भारतीयों को अपना बताता... परिवार बता देता है जो अपने धर्म का पालन करता है जो चार धाम निकलता है तो वहाँ से एक संदेश पूरी दुनिया को देता है संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है ये वो प्रधानमंत्री है राठी साहब ये वो प्रधानमंत्री है जो कहता है की मेरी गारंटी है इस देश की संस्कृति को मैं जोड़कर रखूंगा देश को तोड़ने की बात करता है प्रधानमंत्री सारा देश उनका परिवार है अपना घर नहीं संभाल पाए देश क्या संभाल पाए आप एग्जांपल बता दीजिए बताइए अगर हम ये कहें अपना घर नहीं संभाल पाए, देश क्या संभाल पाएंगे परिवार के आसपास परिवार में बेटे की नौकरी कैसे लगे उसका दर्द कैसे समझेंगे बेटी आप लोग की शादी करनी है? है उसका दर्द कैसे समझेंगे राजनीति घर बनाना है उसका दर्द कैसे समझेंगे मोदी का है परिवार समझेंगे कहा परिवार को अगर समझते पूर्णिमा जी तो ये आत्महत्या कर रहे हैं उनके उनकी माँ के आंसू को समझते कुछ नहीं समझ अगर कोई पिता अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा पाया उसके आंसू को समझते पूर्णिमा जी आप बोलिए पहले पूर्णिमा जी आपका नहीं देखिये आपकी तारीफ है मैंने पहले भी करा था बढ़िया बोलती आप लेकिन मैं बोल लू आप नहीं आप बोलिए मैं ये बोल रहा हूँ बोलिए ना जिसके घर में का का जिसके है। में तो गलत है बोलिए तो, गलत है जब किसी के, के घर में परिवार ना हो बोलिए परिवार से वोट नहीं मांगना चाहिए उसको बोलिए ना आप अगर गलत किसी है। के घर में परिवार ना हो न होना चाहिए आपकी परिवार से वोट भी नहीं मांगूंगा हिम्मत है नहीं अगर किसी के घर में बेटी ना हो तो बेटी का दर्द क्या समझेगा अगर किसी के घर में बेटा ना हो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरे वो दर्द क्या समझेगा बेरोजगार जो लगातार फांसी खा रहे हैं उनका दर्द कैसे समझे परिवार देखा ही नहीं है, है। उसको किनारे आँ आँ है, मुझे सुन लीजिए प्रोफेसर सुबोध मेहता आपको लाना चाहूंगी चर्चा में और उसके बाद अनुजा मैं आपके पास किसान परिवार नहीं थे आठ सौ किसान मारे गए परिवार नहीं थे कब तक ये अपमान भारत देश का हम लोग सहते रहेंगे एक राजनीति चमकाने के लिए गठबंधन बना रहे फिर चाहे सनातन का अपमान हो प्रभु श्री राम का अपमान हो हनुमान की तुलना बंदर से कर दी जाए और भारत देश उसके नाम पे तो आपने अलायंस बना लिया सर उसी उसी को एक देश मानने से इंकार कर रहे डीएमके के नेता कब तक सहेंगे सर पूर्णिमा पूर्णिमा जी देखिए आप बहुत तरह की बातें एक ही सवाल में कर रही हैं सनातन से लेके हनुमान तक पहुंच गए आप बहुत फिर तरीके ए राजा का वक्तव्य ले आज सुबह साहब ने जो भी बोला है हम आप बहुत तरीके की बातें एक जवाब में कर दीजिए मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी मैं तो कह तो रहा हूं कि आपकी जितनी भी सवाल है ये बेतु का सवाल है भारत की अस्मिता और भारत की जो तासीर है उसके साथ इंडिया ब्लॉक खड़ा है जहां तो तक रही बात ए राजा की ए राजा के वक्तव्यों से एक उनका पर्सनल वक्तव्य है शर्म का एक छोटा सा तिनका सा तिनका आप नहीं बोल आता। ना और आप तो बीच में आ बेतुके लगते हैं क्यों क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए इसीलिए आपको ये बेतुके लगते हैं सुनिए इसलिए बेतुके लगते हैं सवाल क्योंकि ऑटोक्रेटिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये देश नहीं चल रहा है ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक आदमी का एप्सलूट कंट्रोल है इतना तक कंट्रोल है कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर सारे उनके नेता का परिवार लिखते हैं तो बता दिया मोदी का परिवार कौन है आप रोक लेंगे अपने परिवार वालों को मेहता साहब बोलिए मेहता फैमिली कह देंगे हम नहीं है कहेंगे तो क्या परिवार अरे भारतीय संस्कृति में जो परिवार का जो बनावट होता है परिवार की जो व्यवस्था होती है पर पर... परिवार की जो तासीर है उसे नरेंद्र मोदी जी कोसो दूर है हुँ. भारत की जो तासीर है वो जो, जो, जो है समानता अधिकार और भाईचारे का तासीर है ये तो पग पग पे जो है भाईचारा को विखंडित कर रहे हैं संस्थाओं को दुरुपयोग कर रहे हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धूमिल कर सुप्रीम रहे हैं लगता, लगता है को सुप्रीम कोर्ट की फटकार स्टालिन को लेकर उदयनिधि को लेकर भूल गए जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि उन्होंने गलत बयान दिया अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया नतीजों के बारे में सोचना चाहिए तो ठीक का सुनिए सर बिल्कुल ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि नतीजों का तो आपको ख्याल ही नहीं है आपको क्या खामियाजा इसका उठाना पड़ेगा उसका आपको ख्याल नहीं है लालू प्रसाद यादव इसी तरीके से बोलते रहे आप बैठकर टीवी पर इसको डिफेंड करते रहे राठी साहब कह देंगे की आप क्या आप कुछ जी भी, भी जी बोल रही है मेरे सवाल बेतुके हैं कहते रहिए आप यादव जी जो बोला सुनिए पहले आप सुन तो लीजिए ना आपने क्वेश्चन पूछा तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो भी बोला परिवार को लेकर नरेंद्र मोदी जी और हिंदू को लेकर एकदम सही बोला अगर गांव में ये नरेंद्र मोदी होते तो गांव से तो तालियां बजाइए फिर हिंदू लालू प्रसाद यादव बयान देंगे तालियां बजाइए 2024 के नतीजे आएंगे तब भी तालियां बजाइएगा करते रहिए अपमान अगर सुधार बात अगर सुधार बात नीति बढ़ते वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो है उस कुछ बातें को सुधारने की आवश्यकता है जब हम लोग बोले तो हम लोग एंटी हिंदू हो गए प्रधानमंत्री जी हो जो कुछ प्रधानमंत्री है, है, मोदी को सुधारना है डीएमपी तो डीएमपी का सोच क्या, क्या है इंडिया अलायंस सोच के साथ कैसे खड़ा हुआ नजर आता है इन लोगों को कुछ नहीं सुधारना है जो सुधारना है वो प्रधानमंत्री मोदी को सुधारना है उनका कोई परिवार नहीं हो सकता वो मोदी की गारंटी की बात नहीं कर सकते, वो देश को सुधार नेशन की में की बात नहीं, पोस्टन नहीं कर सकते, भी भी वो देश को असल मायने में महान बनाने के लिए काम नहीं कर सकते मोदी जी कोई काम नहीं कर सकते जय श्री राम और मेरे जो दोनों पैनलिस्ट यहां पर बैठे हैं उन सबको भी जय श्री राम सीताराम जो बात कहने जिन्होंने जय श्री राम बोला वही ये हे राम करवाए थे हे राम बाले ही जय श्री राम बोलते हैं बोल लेने दीजिए अब तो बोल लेने दीजिए ना।